ये क्या है उज्ज्वला योजना का, कितने लोगों का क्यों किया गया? 365 सरकार और 19 नए लोगों को कराया यहाँ पे किसी सखी का हो रहा है। यहाँ पे कितना पैसा कमा देती है आपको? अरे वाह, बहुत ही बारीकी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी स्टॉलों का बारी बारी से अवलोकन किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न प्रकार के स्टॉल हमारे माननीय द्वारा देखे जा रहे हैं, परखे जा रहे हैं। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। अब हमारे बीच में माननीय महोदय जी का आगमन हो रहा है। पीछे अरे आगे नहीं, पीछे मतलब दो कदम पीछे। देखे देखे राजीव, देखो देखो इसके नाक से निकलो, चल रहा सब भैया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं एक धरती कही पुकार थीम पर एक ऐसा संदेश देने के लिए ट्विंकल और उनके ग्रुप को आमंत्रित करना चाहूंगी, जिसमें धरती माँ अपने किसान पुत्रों से मनुहार कर रही है कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाएं और रासायनिक खादों से बचें, ताकि हमारी यह धरा, हमारी यह पृथ्वी हरी भरी रहे। ट्विंकल और उनके साथी। आपकी धरती मां थक रही है।
तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शामिल हुए हैं। जगह जगह पर ये संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में वाराणसी से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसका मेन उद्देश्य आपको बता दें कि लोगों तक जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उन्हें लोगों तक पहुँचाना है, और इसी कड़ी में वाराणसी से कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं वाराणसी पहुँचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस दौरान आपने देखा कि एक कार्यक्रम दिखाया गया, और इस कार्यक्रम के जरिए आपको बता दें कि जो जनकल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके, वो उसका पूरा खाका जो है इस कार्यक्रम के जरिए पेश किया गया है। आपको बता दें इस कार्यक्रम में वो तमाम योजनाओं के बारे में बताया जाता है जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से बात 2024 को लेकर मैं करूँ तो देखिए 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने, इससे पहले बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और इसे लेकर आपको बता दें कि देश भर में इस वक्त इस तरीके की संकल्प यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन न केवल यूपी में बल्कि देश के अलग अलग जगहों पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और ये सीधा प्रसारण आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की जा रही है ताकि लोगों को ये जागरूकता इस बारे में हो कि सरकार की तरफ से आखिर वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए इस तरीके के आयोजन जो हैं किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बने हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहाँ पर वो खड़े हुए हैं, और ये चाबी जो है अब जो स्थानीय लोग हैं उन्हें सौंपते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो पीएम आवास जो योजना है उसके तहत ये चाबी आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं उन्हें सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ही ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, लोग इसके बारे में जागरूक रहें, और 2024 से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक से कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से चल दिया गया है, क्योंकि सरकार की जितनी अधिक योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी लोग उतने अधिक जागरूक होंगे। और 2024 में एक बड़ा रोल ये संकल्प यात्रा निभा सकती है। तो इसी कड़ी में ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम जो है उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, उस स्कीम के तहत लोगों को उनके घरों की चाबियां सौंपी जा रही है। इसी के साथ 5 लाख का मुफ्त उपचार भी लोगों को दिया जा रहा है, और आपको ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पीएम आवास योजना जो चलाई जाती है उनकी उनके जो हकदार हैं जो लोग हैं उन्हें वो चाबियाँ सौंप दी गई हैं और उनका गृह प्रवेश जो है इस घर में हो जाएगा। आपको बता दें चाबियाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सौंप दी हैं, और इस दौरान कहीं सर्टिफिकेट देते हुए भी जो है वो नज़र आ रहे हैं, और 5 लाख तक का स्वास्थ्य को लेकर भी जो है निःशुल्क इलाज के लिए भी उन्होंने अभी धनराशि दी है, और इसी के साथ साथ ये कुछ सर्टिफिकेट हैं जो बच्चों को वितरित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नज़र आ रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब सर्टिफिकेट का भी वितरण किया जाता है, जो प्रमाण पत्र हैं वो बच्चों को दिए जा रहे हैं। और बच्चों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चों को चॉकलेट्स भी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। और एक बाल प्रेम जो है उनका हमेशा ही, आपने अगर देखा होगा तो हमेशा ही सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बाल प्रेम छलकता हुआ अलग से ही नज़र आता है, उन्हें बच्चों से कितना प्यार है ये इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और लगातार अब जो प्रमाण पत्र हैं वो दिए जा रहे हैं पीएम आवास योजना के तहत, जिनको चाबियां देनी थी उन्हें भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब चाबियां दी हैं। और तमाम ऐसी स्कीम जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनके बारे में जो है जनता को बताया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं।
और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को दुलारते हुए उन्हें चॉकलेट्स देते हुए ये तस्वीरें वाराणसी से आप देख रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पुचकारा दुलारा सराहा और आशीर्वाद दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्विज विजेता के रूप में शिव प्रकाश मिश्रा और प्रियांशु चौरसिया। खूब खूब प्यार दुलार आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। विकसित भारत संकल्प यात्रा की विजेता के रूप में शिव प्रकाश मिश्रा और प्रियांशु चौरसिया कक्षा 12 के छात्र हैं। और जोरदार ताली बजा करके इन बच्चों को आशीर्वाद पहुंचाएं आप सब लोग। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर आग्रह करूंगा कि विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए अपने ओजस्वी उद्बोधन द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी है। आज दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिल रहा है। देश के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाओं, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ आजादी के 75 वर्षों में इतने भारी पैमाने पर पहली बार देशवासियों को बिना भेदभाव के मिल रहा है। इस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों के सम्मुख मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्या जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, विधायक श्री त्रिभुवन राम जी, विधायक श्री सुनील पटेल जी, जनपद के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य श्री अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यात्रा के साथ आए हुए सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं जैसे ही किसान इंटर कॉलेज में आया तो मुझे सबसे पहले इस यात्रा के एग्जीबिशन प्रदर्शनी को देखने और उससे पहले इस विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति श्री ठाकुर यशपाल सिंह जी की मूर्ति की स्थापना, माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी है। आज दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिल रहा है। देश के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाओं, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ आजादी के 75 वर्षों में इतने भारी पैमाने पर पहली बार देशवासियों को बिना भेदभाव के मिल रहा है। और भारत में हर नागरिक आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। यानी वैश्विक मंच पर सम्मान तो देश के अंदर सुशासन भी है, सुरक्षा भी है और समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक जज्बा भी है। ये मोदी गारंटी की वैन वाराणसी में इसी जन जागरण अभियान के साथ काम कर रही है। ये तो काशी वासियों का सौभाग्य है कि उन्होंने 2014 में
एक ऐसी विभूति को अपना जनप्रतिनिधि बना करके, सांसद बना करके देश की संसद में भेजा, जो आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वैश्विक लीडर के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, भारत की 142 करोड़ लोगों को नेतृत्व भी दे रहे हैं और साथ साथ दुनिया को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और आज इस यात्रा का उद्देश्य भी है, जो लोग लाभान्वित हुए हैं उन लोगों की सफलतम कहानी मेरी कहानी मेरी जुबानी इस माध्यम से उसे व्यक्त करना, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगी हुई है। मैं भी एक एक एग्जीबिशन में गया, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहां पर रजिस्टर में अंकित है। आयुष्मान भारत के लिए कितने लोगों ने कराया, वहां अंकित है। कितने लोगों ने वहां पर जीवन ज्योति बीमा योजना में, जीवन सुरक्षा बीमा योजना में, अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में, ये तमाम योजनाओं के पंडाल भी लगे हुए हैं, हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। पीएम आवास योजना में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पीएम विश्वकर्मा में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये चीजें दिखाती है कि योजनाओं का लाभ जब जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के देने का एक संकल्प होता है तो उसके पीछे सरकार के सत्संकल्प इस रूप में सामने आते हैं। जैसे मोदी गारंटी वैन आज आपके गांव में आकर के मोदी जी की योजना को आप तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि जब ये लोग लाभान्वित होंगे, खुशहाल होंगे, तो इनकी खुशहाली में देश की खुशहाली छुपी होगी। हमारी जनता जनार्दन खुशहाल होगी, हमारे नागरिक खुशहाल होंगे तो उनकी समृद्धि देश की समृद्धि का कारण बनेगा। और भारत के प्रति एक समर्पण के भाव से अगर भारत के 142 करोड़ लोग एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कोई कारण नहीं 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बन जाए, अवश्य बनेगा। और 2047 जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तो शताब्दी महोत्सव का हमारा संकल्प एक पंच प्रण के साथ है, जिसका भी हम लोगों ने यहां पे शपथ लिया, आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के सपने को साकार करना। यानी विकसित भारत हम सबके संकल्प का माध्यम बनना चाहिए, प्रतिदिन का संकल्प का माध्यम बनना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। गुलामी कहीं भी किसी भी स्तर पर गुलामी को नहीं स्वीकार करना है। दूसरा, विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त करना है। एकता, चौथा एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना, राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हुए जवानों को, सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और देश की सेवा के साथ जुड़े हुए लोगों का सम्मान देना। और पांचवा और अंतिम संकल्प है, नागरिक होने का बोध अनुभव करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति काम करना, अपने कर्तव्यों के प्रति डट करके काम करना। जो जिस क्षेत्र में है, एक छात्र छात्र के रूप में अच्छा अध्ययन करे, अध्ययन के साथ साथ केवल शिक्षा का ही ज्ञान अर्जन, अक्सर ज्ञानी नहीं लेना है, ज्ञानवान बनकर के इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए नए नए शोध करके आगे बढ़े। एक शिक्षक निरंतर स्थान में प्रयास करे, उसका ड्यूटी यही है, वही उसका धर्म है। एक किसान कैसे आमदनी को कई गुना बढ़ाने और हर पेट को शुद्ध अन्न उपलब्ध कराने का कार्य कर सके, इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास पिछले 9.5 वर्ष में आपने देखा होगा कितने लोग लाभान्वित हो गए। देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला, उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल गया। देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल गया। देश के अंदर
कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला ही, और अगले 5 वर्ष के लिए फिर से मोदी गारंटी मिल गई है कि अगले 5 वर्ष तक फिर से राशन की सुविधा का लाभ जनता जनार्दन को फिर प्राप्त होगा। देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में हर घर नल की योजना हो, चाहे वह जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, किसान सम्मान योजना, ये सभी योजनाओं में आज तेजी के साथ बढ़ोतरी होकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन रही है, और जो छोटे हैं उनको अब इस संकल्प यात्रा के बाद मोदी जी की गारंटी की बेन आपके पास आई है कि जो लोग पा गए वे अपनी कहानी को बोले। हर यात्रा के दौरान कम से कम जहां बेन पहुंचे ऐसे भव्य स्वागत हो, जहां बेन पहुंचे कम से कम 150-200 लोग अपनी सफलतम कहानी को कहें, और जहां बेन पहुंचे जो बच गया है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वो अपना फॉर्म भरे, उन तक भी योजना का लाभ पहुंचेगा। इस बात की गारंटी देने के लिए मोदी गारंटी बहन आपके पास आई है, और भाइयों बहनों आप इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके पास आए हैं कि पहले योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो जैसे चूर्ण मिलता था, यानी वह मुंह के अंदर ही सूख जाता था, पता ही नहीं लगता था, बंदरबांट होता था, भ्रष्टाचार होता था। लेकिन मोदी जी ने गारंटी दी कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, समाप्त कर दिया गया। मोदी जी ने गारंटी दी कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पीड़ित को, हर कमजोर व्यक्ति को देना, बिना भेदभाव के देना है। आज मिल रहा है, हमने 55 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए, बिना भेदभाव के दिए। भैया बहनों ये चीजें दिखाती हैं सरकार का संकल्प ठीक हो, नियत साफ हो, सत्संकल्प हो तो कोई काम कठिन नहीं। आज काशी दुनिया के अंदर चमक रही है। मैं देख रहा था कि काशी में गत वर्ष सबसे ज्यादा धार्मिक टूरिस्ट कहीं आया है दुनिया में तो काशी में आया है। इसकी संख्या 3.25 करोड़ की सीमा को भी पार कर चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि काशी ये मोदी जी के संकल्पों की काशी है, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक नए कलेवर के रूप में काशी विश्वनाथ धाम हो, या फिर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण का कार्य, मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये मोदी गारंटी वैन आपके पास आई है। आप सब ने इसमें रुचि ली और इस संकल्प के साथ जुड़े शपथ ग्रहण भी किया, अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया, इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सब इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ एक बार तो अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जिन्होंने लोगों को संबोधित किया और वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने मोदी गारंटी वैन का जिक्र किया और यूपी में हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ मिले, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि आज भारत ताकतवर बन रहा है, और आगे कहा कि यूपी में 55 लाख लोगों को आवास दिया गया है। तो ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला,
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हमने लोगों को दिया है और तमाम ऐसी बातें थी। उन्होंने कहा कि जनता को लाभ मिल रहा है, तो ये बड़ी बातें करते हुए आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, जहां पर वो आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने पीएम आवास के तहत लोगों को चाबियां सौंपी और कई प्रमाण पत्र वो छात्रों को बांटते हुए भी नज़र आए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए भी चेक बांटा। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी से पहले आजमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन का शुभारंभ किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अगबेलपुर में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों संग संवाद भी किया गया और इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। कम से कम अपनी आवाज से तीन गुंजाइए अपनी आवाज को कि कम से कम यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक आवाज जा सके। तो जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज अगबेलपुर गांव में आगमन पर इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, विधान परिषद सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, श्री राम सूरत राजभर जी, श्री विक्रांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल जी, सूरत प्रकाश श्रीवास्तव जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस ग्राम पंचायत के सभी उपस्थित बंधुओं भाइयों और बहनों, आज मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में अगबेलपुर आजमगढ़ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने अभी इस यात्रा में जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों का क्रम देखा होगा, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है, राष्ट्रपति जी का भी जो इस संबंध में उनका जो संदेश है वह भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है, जो जिस क्षेत्र में है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई है। तो आने वाले समय में अब 100% सिचुएशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, इस दृष्टि से यह संकल्प यात्रा गांव गांव जा रही है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 536 वीडियो वैन हर जनपद में चल रहे हैं।
इनका कार्यक्रम का ही इसी बात से है कि यहां पे आपने सरकार की योजनाओं के भी स्टॉल देखे हैं, स्वास्थ्य मेले भी लग रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे और लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लोगों को प्राप्त हो इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे। भैया बहनों, कोई कल्पना कर सकता था कि 9 वर्ष में 4 करोड़ लोगों के घर देश के अंदर बनेंगे और उनमें से 55 लाख गांव घर केवल उत्तर प्रदेश में मिले हैं? ये कल्पना थी, लेकिन ये आज वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दिया है। कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, लेकिन यह वास्तविकता है। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ, पहले पैसा देके भी सरकारी दुकानों पे खाद्यान्न नहीं मिल पाता था और आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ लोग पिछले 3.5 वर्ष से तो फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं, बल्कि अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब परिवार को प्राप्त होगी, इसकी भी गारंटी मोदी की गारंटी के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो गई है। ऐसे ही हर वह योजना, चाहे वह हस्तशिल्पी हो, मैं यहां पे देख रहा था आजमगढ़ की पोटरी भी यहां लगी हुई है, निजामपुर की साड़ियां भी हैं और अलग अलग विभागों के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं। अगर आजमगढ़ की ही मैं बात करूं तो आजमगढ़ में हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम यहां पर लागू किए हैं जिन योजनाओं का लाभ यहां पर हम सबको आज देखने को प्राप्त हो रहा है। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज भाइयों बहनों हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। आज आजमगढ़ का तो भाग्योदय हुआ है, भोजपुरी के अच्छे कलाकार को आपने अपना सांसद बनाया है, तो विकास आपके यहां तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोचता था आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा? अभी हम इसके बाद विश्वविद्यालय का ही निरीक्षण करने जा रहे हैं और बहुत शीघ्र जनवरी माह में उसका निर्माण कार्य पूरा करने के बाद भव्य उद्घाटन की भी तैयारी करने जा रहे हैं। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा? कोई सोचता था ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होते हुए जाएगी और आजमगढ़ की पूरी कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ करेगी? कोई सोचता था कि आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय भी बनेगा? और कोई सोचता था कि यहां पे 1,09,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा? कोई सोचता था 7 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी आपके इस जनपद में होंगे? कोई सोचता था 7 लाख गरीबों को प्रतिवर्ष, इतने परिवारों को, अगर मैं इस 7 लाख की तुलना करूं तो 35 लाख लोगों को प्रति माह यहां पे फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अकेले आजमगढ़ जनपद में प्राप्त हो रहा है? कोई सोचता था कि 3 लाख गरीबों को यहां पे फ्री में शौचालय मिला? लेकिन आज ये सपना साकार हुआ है और उसे साकार करने के लिए ही ये मोदी गारंटी की वैन आज आपके गांव में यहां पर पहुंची हुई है, अकबेलपुर में पहुंची हुई है। इस अवसर पर इस वैन का स्वागत करने के लिए मैं आपके बीच में यहां स्वयं उपस्थित हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और भाइयों बहनों मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मोदी की गारंटी ये 100% क्रियान्वित होने वाली गारंटी है। जो कहा सो करके दिखा दिया।